मौलाना अरशद मदनी के संगठन ने ऐलान किया है कि भारत में कयामत के आने तक मुस्लिमों का पर्सनल लॉ नहीं बदला जाएगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मोदी के आदेश के बाद अजीत डोभाल ने सीधे सऊदी अरब से कयामत को ही बुला लिया है। मोदी शाह सबसे पहले कॉमन सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में से लागू किया जाएगा। लेकिन ये सुपर पावर मुस्लिम लीडर कौन है और मोदी 15 अगस्त से पहले क्या करने वाले, इसकी पूरी कहानी इस 2 मिनट की रिपोर्ट में पहले जान लीजिए। ये हैं सऊदी अरब के टॉप नेता मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा। इन्हें मोदी सरकार ने भारत बुला लिया है। इनका एक आदेश दुनिया के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। मोहम्मद अल ईशा को ऐसे वक्त में भारत बुलाया गया है जब 15 अगस्त की तारीख बहुत करीब है और देश के अंदर कुछ मौलाना अपने फायदे के लिए यूसीसी का विरोध कर रहे हैं।